एक फ्रेंचाइज जिसमें 90% से ज़्यादा हलाल अशिया फरोख्त हो रही हो और 10% तक हराम जैसे शराब वगैरह, तो क्या ऐसी फ्रेंचाइज को चलाना जायज़ है? आप कोई भी कारोबार करते हैं तो अगर तो वो कारोबार आपके इख्तियार में है, आपका कारोबार है, आप उसके मालिक हैं, तो फिर तो कोशिश कीजिए कि आप हर हलाल चीज़ बेचें, कोई हराम चीज़ आपके यहाँ से फरोख्त ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप कहीं काम करते हैं, किसी जगह रिश्तेदार हैं, तो आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ फिर आपके इख्तियार से बात बागत हो गई, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, आप मुलाजमत कीजिए, क्योंकि बैसीयत मजमू वो कोई हराम चीज़ें बेचने का कारोबार नहीं है, वो असलन हलाल चीज़ें ही बेचने का कारोबार है। जिन चीज़ों को यहाँ बुरा नहीं समझा जाता वो वहाँ बेची जाएगी।